हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल इन दिस वीडियो लेक्चर। आज हम लोग डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम 2018 में पूछे गए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस का सेट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में फोर पार्ट्स ए बी सी डी एंड सेकंड क्वेश्चंस में भी फोर पार्ट्स ए बी सी डी। सो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पॉइंटर वेरिएबल एंड सेकंड क्वेश्चन डिफ्रेंशिएट बिटवीन एल्गोरिदम एंड प्रोग्राम। थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है वी हैव टू एक्सप्लेन वेरियस ऑपरेशंस विच कैन बी परफॉर्म ऑन डेटा स्ट्रक्चर। उसके बाद टॉप डाउन एंड बॉटम अप अप्रोच एक्सप्लेन करने को बोला गया है। एज यू नो दैट कि टॉप डाउन एंड बॉटम अप को हमने 2017 में भी डिस्कस किया है। व्हाट इज एन एरे, ये सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है कि एरे क्या होता है। डिस्क्राइब हैश टेबल इन बेस, हैश टेबल के बारे में भी 2017 के पेपर में सोल्व किया गया है। एंड थर्ड क्वेश्चन है राइट अ प्रोग्राम टू एड अ न्यू एलिमेंट एट द एंड ऑफ एरे। वेरी गुड क्वेश्चन और सिंपल भी है कि एरे दिया हुआ है उसके लास्ट में हमें नंबर और एलिमेंट को इंसर्ट करने के लिए प्रोग्राम लिखना है। एंड फोर्थ क्वेश्चन इज कि टू डायमेंशनल एरे दिया हुआ है 4x3 का, मींस 4 रो एंड 3 कॉलम्स है जो रो वाइज स्टोर्ड किया गया है। बेस एड्रेस दिया हुआ है 200, तो हमें फाइंड आउट करना है कि एड्रेस क्या होगा A32 का, मतलब थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम के पोजीशन पे जो एलिमेंट आएगा उसका एड्रेस क्या होगा। एंड एक लाइन और ऐड किया गया है इच एलिमेंट टेक्स वन मेमोरी लोकेशन, मतलब 1 byte हर एलिमेंट को स्टोर करने में लगता है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पूछे गए हैं 2013 में। सो होप यू विल वॉच ऑल द क्वेश्चंस पेपर आई हैव अपलोडेड अर्लियर और इस पेपर को भी आप देखेंगे। एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चंस सिमिलर पूछे जाते हैं और इवन सेम क्वेश्चंस रिपीट किए जाते हैं। तो हम लोग आज सॉल्व करेंगे पार्ट वन में ये 8 क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है पॉइंटर वेरिएबल क्या होता है। फ्रेंड्स, जैसा कि हमें पता है कि डेटा स्ट्रक्चर में मैंने आपको बताया था प्रिमिटिव डेटा टाइप और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो पॉइंटर प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है, ये हमें पता है। तो पॉइंटर का क्या मीनिंग होता है, किस लिए यूज किया जाता है, ये हम लोग आज समझेंगे। फ्रेंड्स, तो पॉइंटर का मेन काम है कि एड्रेस को स्टोर करना। सो किसी भी एलिमेंट और किसी भी डेटा आइटम का एड्रेस को स्टोर करने के लिए हम लोग पॉइंटर यूज करते हैं। सो यदि हम ऑनलाइन डेफिनेशन बताएं तो पॉइंटर क्या होता है, इट स्टोर द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। मतलब किसी भी वेरिएबल का एड्रेस हमें स्टोर करना है देन हमें पॉइंटर यूज करने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पे कंडीशंस क्या है कि वेरिएबल, जिस वेरिएबल का हमें एड्रेस स्टोर करना है उसका डेटा टाइप एंड पॉइंटर का डेटा टाइप सेम होना चाहिए। मतलब इंटीजर वेरिएबल है तो पॉइंटर भी क्या होगा, इंटीजर होना चाहिए। यदि ये फ्लोट है तो पॉइंटर भी क्या होना चाहिए, फ्लोट है होना चाहिए। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज दैट हमारे पास इंटीजर वेरिएबल है एक्स एंड पॉइंटर है पी। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों का डेटा टाइप क्या है, सेम है, इंटीजर। सो यहाँ पे हम लोग समझने की कोशिश करें कि ये पॉइंटर को हम लोग इस ऑपरेटर से, इसको क्या बोलते हैं, इनडायरेक्शन ऑपरेटर। सो इनडायरेक्शन ऑपरेटर से हम लोग क्या समझते हैं कि पॉइंटर वेरिएबल है। अब करेगा क्या, पी करेगा एक्स का एड्रेस को स्टोर। तो अब हम लोग यहाँ पे इसको एक्सप्लोर करें, इफ पी इज अ पॉइंटर देन स्टार पी क्या होगा, स्टार पी फिर रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट द ऑब्जेक्ट विच P currently points। चलिए इसको हम लोग दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करें कि P जो है X का एड्रेस को स्टोर करेगा। तो कैसे, यहाँ मैंने एक लाइन भी लिखा, P यदि P पॉइंटर है
तो स्टार पी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑब्जेक्ट, किसके लिए? पी के लिए, जिसको ये पॉइंट करेगा। तो हम लोग एक एग्जाम्पल के तौर पे यदि हम लोग समझें, यहाँ पे सपोज दैट हमारा एक्स है, एक्स का कुछ एड्रेस होगा। सपोज ये हमारा एक्स है, यहाँ पे हमारा एक्स का वैल्यू 10 है, और ये कुछ एड्रेस होगा सपोज दैट 100। यदि इसे हम लोग एक्स का एड्रेस को हमें फाइंड आउट करना है और एक्स का वैल्यू 10 है, इसे भी हमें फाइंड आउट करना है, तो क्या करेंगे? तो सबसे फर्स्ट काम हमें जो करना पड़ेगा कि पी इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ एक्स, क्योंकि पी एंड एक्स का जो नेचर है वो इंटीजर टाइप है और सेम है, डेटा टाइप क्या है? सेम है। बट पी इज अ पॉइंटर वेरिएबल एंड एक्स इज अ सिंपल वेरिएबल। तो हम लोग अब बताएंगे कि पी को यदि हम लोग लिखें इस फॉर्मेट में, सो पी इज असाइन टू एड्रेस, एंड पर्सन का मतलब क्या होता है? एड्रेस ऑफ एक्स बताएगा। तो जैसे ही आप पी को प्रिंट करेंगे, तो ये इसका जो एड्रेस एक्स का है 100 वो रिटर्न करेगा। यदि हम लोग इसे पॉइंटर पी, सपोज दैट हम एक सिंपल प्रिंट एफ फंक्शन लिखेंगे, प्रिंट एफ परसेंटेज डी एंड परसेंटेज यू, यू के लिए हम एड्रेस, एड्रेस के लिए हम लोग परसेंटेज यू यहाँ पे यूज कर रहे हैं, एंड ये परसेंटेज डी फॉर इंटीजर वेरिएबल। सो यहाँ पे हमने लिखा पॉइंटर पी एंड पी। यहाँ पे आप समझना कोशिश करेंगे कि परसेंटेज डी क्या रिटर्न कर रहा है? स्टार पी, मतलब एक्स में जो वैल्यू स्टोर किया गया है वो रिटर्न करेगा इस पोजीशन पे, और परसेंटेज डी के जगह पे परसेंटेज यू क्या होगा? पी को रिटर्न करेगा, और पी क्या है? एड्रेस ऑफ एक्स। सो हम लोग का जो आउटपुट आएगा क्या होगा? एक्स का वैल्यू क्या है? 10, एंड पी का एड्रेस क्या है? 100। सो ये सिंपल कॉन्सेप्ट होता है पॉइंटर वेरिएबल का, और इसको आप बोल सकते हैं कि किसी भी वेरिएबल का एड्रेस को स्टोर करने के लिए हम लोग पॉइंटर वेरिएबल का यूज करते हैं। अब हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसमें पूछा गया है एल्गोरिदम एंड प्रोग्राम को डिफ्रेंशिएट करें। प्रोग्राम क्या होता है? सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है। सो दिस इज अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट फॉलोज द रूल ऑफ स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या सो प्रोग्राम क्या होता है? जैसे हम लोग सी प्रोग्राम करते हैं, सी प्लस प्लस करते हैं, वहां पे क्या होता है? उसके अकॉर्डिंग, उसका कुछ जो रूल डिफाइंड किए गए हैं उसके अकॉर्डिंग हमें लिखना होता है, और बोल सकते हैं कि यह एक सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जो फॉलो करता है बेसिक रूल्स किसी पार्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। जैसे हम लोग सी की बात करें, तो सी लैंग्वेज हमें पता है कि हमें हेडर डिफाइन करने होंगे, हैश, इंक्लूड, प्रिंट करने के लिए हम लोग प्रिंट एफ यूज करते हैं। बट यदि ये सी प्लस प्लस का कॉन्सेप्ट होगा तो हम लोग सी आउट लिखते हैं प्रिंट एफ की। तो वो हमारा क्या सेट ऑफ रूल्स है जो किसी भी स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए अलग अलग हो सकते हैं। सी सिंपल डेफिनेशन है प्रोग्राम का। अब यदि हम बात करें एल्गोरिदम का, एल्गोरिदम किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए स्टेप बाय स्टेप रूल होता है, और ये क्या बोलता है? हाउ टू परफॉर्म एनी टास्क। तो हम लोग कैसे, सो क्वेश्चन इज हाउ टू परफॉर्म एनी टास्क, तो ये कौन बताएगा? एल्गोरिदम। एल्गोरिदम आपको जवाब देगा कि हम लोग किसी भी टास्क को कैसे सॉल्व करना और किसी टास्क को कैसे परफॉर्म करना है। तो ये बोलता है एल्गोरिदम जो होता है सेट ऑफ रूल्स होता है जो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, और स्टेप बाय स्टेप रूल्स रिटेन बाय ह्यूमन बींग, ह्यूमन बींग। तो हम लोग एल्गोरिथम को बोल सकते हैं कि यह एक रूल है और टेक्निक है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो ह्यूमन बींग द्वारा लिखा जा सकता है, और इसी को फॉलो कर किसी भी प्रोग्राम को हम लोग एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है प्रोग्राम एंड एल्गोरिथम का। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, जहां हमें पूछा गया है वेरियस ऑपरेशन डेटा स्ट्रक्चर में क्या परफॉर्म किए जाते हैं। तो हम लोग किसी भी डेटा स्ट्रक्चर में सपोज दैट, या तो एरे हो सकता है, लिंक्ड लिस्ट हो सकता है, ट्री हो सकता है, ग्राफ हो सकता है, मतलब चाहे तो प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर हो सकता है और नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर हो सकता है। तो हम लोग एक
किसी भी जनरल डेटा स्ट्रक्चर की बात हम करेंगे कि उसमें क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म किए जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, तो पहला ऑपरेशन जो हम लोग करते हैं, क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। सो क्रिएशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे डिलीट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। सो डिलीशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, और इंसर्ट कर सकते हैं। सो इंसर्शन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। तो इस तरह से यदि हम बात करें, डिलीट, क्रिएट, इंसर्ट, अपडेट, सर्च भी कर सकते हैं, सॉर्ट भी कर सकते हैं, और सो मेनी थिंग्स। एक एग्जांपल के तौर पे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि सपोज हमें लिंक लिस्ट क्रिएट करना है, तो हम लोग को क्या करना होगा, स्ट्रक्चर डिफाइन करने होंगे। सपोज ये हमारा लिंक लिस्ट का एक सिंपल नोड है, ये डेटा पार्ट को स्टोर करेगा और ये नेक्स्ट नोड का इंफॉर्मेशन को रखेगा। इसको हम लोग को क्रिएट करना होगा। सो दिस इज डेटा पार्ट एंड दिस इज नेक्स्ट और इन्फॉर्मेशन। तो इन्फॉर्मेशन किसका रहेगा, नेक्स्ट नोड का रखेगा। तो इस तरह से यदि हम लोग इसको डिफाइन किए तो हम लोग अब क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट करने के बाद इसमें हम लोग और भी नोड को इंसर्ट कर सकते हैं। अब इंसर्ट करने का तरीका क्या होगा, या तो इस नोड के बाद इंसर्ट करेंगे या इस नोड के पहले इंसर्ट करेंगे। उसी तरह से हम लोग डिलीट कर सकते हैं, मतलब किसी नोड को डिलीट करना है तो हम लोग डिलीट कर पाएंगे। सपोज दैट इस तरह से हमारे पास तीन नोड है जिसमें डेटा आइटम स्टोर है, कैरेक्टर ए, बी एंड सी। सपोज ये हमारा एंड हो चुका है, इसमें सर्च करना है हमें सी। तो हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा स्टार्ट है और हेड है और स्टार्ट नोड है। तो स्टार्ट नोड से हमें विजिट करना और सर्च करना पड़ेगा। जैसे हमने यहाँ पे बताया है कि एक ऑपरेशन सर्च भी हो सकता है, सॉर्ट भी हो सकता है। तो एक हमें सर्च करना है सी, सो ये क्या करेगा, ट्रावर्स करेगा। सो ट्रावर्सिंग इज अनदर ऑपरेशन। सो ट्रावर्स डेटा स्ट्रक्चर, ये भी क्या है, हमारा ऑपरेशन है। सो ए को ट्रावर्स करेगा, यहाँ पे मैच करेगा सी से, तो सी है नहीं, आगे बढ़ेगा, उस तरह से सी को फाइंड आउट करेगा, मतलब सर्चिंग ऑपरेशन हो चुका है। उसी तरह से यदि नंबर दिया हुआ है तो उसे हम सॉर्ट भी कर सकते हैं। सो ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स है और बेसिक ऑपरेशंस है डेटा स्ट्रक्चर में। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, जो बताया पूछा गया है, टॉप डाउन एंड बॉटम अप अप्रोच क्या होता है। फ्रेंड्स, जैसा कि हमें पता है, टॉप डाउन एंड बॉटम अप का 2017 में भी मैंने सॉल्व किया है, उस पार्ट को आप जरूर देखें। लेकिन हम लोग इसको समराइज करेंगे, टॉप डाउन एंड बॉटम अप का कॉन्सेप्ट क्या है। तो फ्रेंड्स, टॉप डाउन का कॉन्सेप्ट है किसी भी लार्जर प्रॉब्लम को स्मॉलर प्रॉब्लम में ब्रेक किया जाता है। मतलब यदि ये लार्जर प्रॉब्लम है, इसे हम लोग छोटे छोटे प्रॉब्लम में डिवाइड करते हैं और उसे रिकर्सिवली सॉल्व किया जाता है। सपोज दैट इस प्रॉब्लम को हमने छोटा छोटा पार्ट में और छोटा छोटा सब प्रॉब्लम में डिवाइड किए, इससे भी हम लोग और छोटा छोटा प्रॉब्लम में डिवाइड कर सकते हैं और स्मॉलर प्रॉब्लम में हम लोग डिवाइड करते चले जाते हैं। उसके बाद जो सबसे स्मॉलेस्ट प्रॉब्लम होता है उसे हम लोग सॉल्व करते हैं, और वंस अगेन हम लोग डिवाइड करने के बाद क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, एंड आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट मर्जिंग देम। सो ये है हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट टॉप डाउन अप्रोच का। यदि हम बॉटम अप अप्रोच की बात करें तो छोटे प्रॉब्लम और स्मॉलर प्रॉब्लम को हम लोग को इंडिविजुअली सॉल्व करना होता है, आफ्टर दैट वी कंबाइन दोस प्रॉब्लम्स टू फॉर्म लार्जर प्रॉब्लम। चलिए इसे हम लोग स्किप करेंगे, आप इसे डिटेल्स में जानने के लिए आप 2017 के पार्ट वन में आप इसे समझ सकते हैं और देख सकते हैं उस वीडियो लेक्चर को। अब नेक्स्ट पार्ट में पूछा गया है, व्हाट इज एन एरे। एरे के बारे में बताना है तो फ्रेंड्स, एरे एक होमोजीनियस डेटा आइटम को स्टोर कर सकता है। मतलब यदि हमारे पास इंटीजर नाम का यदि एरे है तो हम लोग इसको डिफाइन कैसे करते हैं। सपोज दैट साइज ऑफ ए, ए क्या डिनोट कर रहा है, एरे, जो 10 इंटीजर को स्टोर कर सकता है। मतलब ये होमोजीनियस डेटा टाइप को स्टोर कर सकता है। यदि ए को हमने यहाँ पे 10 साइज दिया है, मतलब ए में हमारा कितना आ सकता है एलिमेंट, 10, और उसका नेचर क्या होगा, इंटीजर टाइप। सो इंडेक्स क्या से स्टार्ट हो, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, कहा जा रहा है 9 तक। सो ये है हमारा वन डायमेंशनल एरे, इसमें होमोजीनियस डेटा आइटम मतलब इंटीजर स्टोर हो सकता है, मैक्सिमम 10 एलिमेंट स्टोर हो सकते हैं। इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट हुआ, 0 से 10 माइनस 1। यदि हम लोग
टू डायमेंशनल एरे क्रिएट करें और डिजाइन, तो हमारा एरे को पहले हम लोग को समझना पड़ेगा कि ये हो या तो वन डायमेंशनल एरे हो सकता है, टू डायमेंशनल एरे हो सकता है और मल्टी डायमेंशनल एरे हो सकता है। तो ये हमारा एक एग्जाम्पल था वन डायमेंशनल का, जो होमोजीनियस डेटा को स्टोर कर सकता है। यदि हम लोग बात करें टू डायमेंशनल एरे का, तो उसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं। सपोज ए आर आर 4 3, मतलब क्या है कि ये हमारा टू डायमेंशनल एरे है जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स गिवन है। 4 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है रोज को, 3 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम्स को। तो इसको यदि हम लोग या सो 4 रोज, सो 1 2 3 4, कॉलम्स कितने हैं 3, सो 3 कॉलम्स विल बी लाइक दिस 1 2 3। तो जिस तरह से हम लोग जीरो से इंडेक्स स्टार्ट करते हैं, तो अब हमें क्या करना होगा, क्योंकि टू डायमेंशनल है तो रो एंड कॉलम, सो दिस स्लॉट इज कॉल्ड 0 1 2, उसी तरह से 0 1 2 3। सो फर्स्ट ब्लॉक जब आएगा तो ये इसका क्या होगा इंडेक्स 0 0, उसी तरह से इसको यदि हम लोग अब इसको रो वाइज कर सकते हैं या कॉलम वाइज कर सकते हैं। तो इसे यदि हम लोग रो वाइज में लेंगे तो इसका मतलब क्या, फर्स्ट रो, तो फर्स्ट रो एंड कॉलम क्या है 1 0 2। उसी तरह से इसमें क्या होगा 1 0 1 1 1 2, 2 0 2 1 2 2, देन 3 0 3 1 3 3। तो ये हमारा उस ब्लॉक का इंडेक्स है। सपोज हमें यदि पूछा जाए कि ब्लॉक A11, तो ये किसको डिनोट करेगा, दिस ब्लॉक को। तो ये हमारा टू डायमेंशनल एरे होता है जो कि वन मेमोरी में वन डायमेंशनल एरे की तरह स्टोर किया जाता है। अब इसे स्टोर हम लोग चाहे तो रो वाइज कर सकते हैं या कॉलम वाइज कर सकते हैं। सो मेमोरी में क्या होगा, पहला एक और पॉइंट हमें बताना चाहिए कि एरे क्या है, कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन होती है। कंटिग्यूअस मतलब यदि फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस हमें मालूम है तो हम सेकेंड का भी बता सकते हैं, थर्ड का भी बता सकते हैं। उसी तरह से टू डायमेंशनल एरे में सपोज रो वाइज है तो मेमोरी हमारा फर्स्ट 3 ब्लॉक स्टोर होगा, आफ्टर दैट नेक्स्ट 3 ब्लॉक, सो नेक्स्ट 3 ब्लॉक लाइक दिस, एंड देन अनदर 3 ब्लॉक एंड लास्ट 3 ब्लॉक, इस टाइप से। यदि मल्टी डायमेंशनल की बात करें तो उसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं इंट ए, सपोज दिस इज 4 3 एंड 2, तो इसका मतलब क्या हुआ 4 रोज 3 कॉलम्स का एक मैट्रिक्स है, और कितना मैट्रिक्स है, वैसा 2 मैट्रिक्स है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। होप यू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैश टेबल को हमें एक्सप्लेन करना, हैश टेबल क्या होता है। फ्रेंड्स हैश टेबल भी एक एरे ही होता है, बट एरे में हम लोग एक सिंगल एलिमेंट को स्टोर करते हैं, बट हैश टेबल में दो एलिमेंट, दो वैल्यू, की एंड वैल्यू, की वैल्यू पेयर स्टोर किए जाते हैं। तो अब हम लोग एरे की इंडेक्स के रूप में एलिमेंट को स्टोर करते हैं। इसको हम लोग पिछले 2017 के पेपर में भी हमने सॉल्व किया था, तो वहाँ फिर से हम लोग इसको रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। तो क्या होता है कि की वैल्यू पेयर के रूप में स्टोर होता है। यदि हम लोग इसको वन लाइन डेफिनेशन लिखे तो क्या हुआ, ए स्पेशल कलेक्शन ऑफ कलेक्शन दैट इज यूज टू स्टोर की वैल्यू आइटम इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग जस्ट वन वैल्यू। जैसा कि हम लोग एरे में क्या है, सिंगल वैल्यू को, वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं, एरे या स्टैक या लिस्ट। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, स्टोर कर रहे हैं हम लोग दो वैल्यू को। तो अब कैसे स्टोर करते हैं, तो एक हम लोग फंक्शन यूज करते हैं जिसको बोलते हैं हैश फंक्शन। तो हैश फंक्शन के अकॉर्डिंग हम लोग इंडेक्स कंप्यूट करते हैं। हैश फंक्शन इसलिए यूज किया जाता है टू फाइंड इंडेक्स, और उसी इंडेक्स पे हम लोग किसी वैल्यू को पुट करते हैं। तो जो टेबल क्रिएट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हैश टेबल बोलते हैं। तो एक हम लोग एग्जांपल के साथ भी समझेंगे और इसका बेनिफिट क्या होता है वो भी हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। सपोज दैट हमारे पास एरे का साइज है 11, हम लोग प्राइम नंबर लेकर चल रहे हैं 1 2, सो लास्ट इंडेक्स क्या हुआ 10। हम एक फंक्शन यूज कर रहे हैं, हमारा साइज क्या है 11 है साइज, तो हम लोग मोडुलो ऑपरेटर फाइंड आउट करेंगे। सपोज दैट की जो है और
suppose 59, 60, 65 and 77। हमें पता है कि साइज क्या है, 11 है। अब हमको 59 को यदि स्टोर करना है तो किसी पार्टिकुलर इंडेक्स में जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, हैश फंक्शन जो हमने यूज करने की बात किया, सपोज हमारे पास 4 एलिमेंट्स को स्टोर करने हैं, तो हैश फंक्शन क्या करता है, जो फंक्शन है बोलता है कि जो भी आइटम है, तो 59 मोड n, n का वैल्यू हमारा क्या है 11, ये क्या जनरेट करेगा 4, तो डायरेक्ट 1 यूनिट टाइम में 4th इंडेक्स पे जाएगा। सो दिस इज 2, 3 एंड 4, सो 4th इंडेक्स पे क्या स्टोर हो जाएगा 59। उसी तरह से नेक्स्ट एलिमेंट आएगा 60, देन 60 को भी हम लोग क्या करेंगे 60 मोड 11, सो क्या जनरेट करेगा 5, सो ये 5th इंडेक्स पे स्टोर होगा। 65 को करना होगा तो क्या करेंगे 65 मोड 11, सो 65 मोड 11 व्हाट इट विल प्रोड्यूस, आई थिंक 9 और 10, 10 का मतलब क्या हो 9th इंडेक्स पे स्टोर होगा। 77, तो 77 सॉरी ये क्या होगा 65, यहाँ 10th इंडेक्स पे स्टोर होगा, सो 77 मोड 11 क्या होगा 0, सो 77 यहाँ पे स्टोर होगा। यदि एक और आइटम 88 होता तो क्या होता, यहाँ पे 88 मोड 11 0, इसका मतलब है कोलिजन अकर हुआ, इस पोजीशन पे ऑलरेडी एलिमेंट है, तो बोलता है कि आप लीनियर प्रोबिंग के हेल्प से आप एक नेक्स्ट वैकेंट पोजीशन पे इसे स्टोर करेंगे। सो नेक्स्ट वैकेंट पोजीशन क्या है, फर्स्ट इंडेक्स, सो 88 अब इस पोजीशन पे आएगा। तो इसे हम लोग डिस्कस किए थे डिटेल्स में 2017 के पेपर में, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। चलिए अब हम लोग इसको देखते हैं कि इसका बेनिफिट्स क्या होता है। तो फ्रेंड्स, किसी भी आइटम को इंसर्ट कर सकते हैं हम लोग ऑर्डर ऑफ वन टाइम में, किसी भी आइटम को हम लोग सर्च कर सकते हैं ऑर्डर ऑफ वन टाइम में, किसी भी आइटम को डिलीट कर सकते हैं ऑर्डर ऑफ वन टाइम में। तो ये हमारा एडवांटेज होता है एरे यूज करने का। बट यदि एरे होता या लिस्ट होता तो उसमें हम लोग क्या करते हैं ऑर्डर ऑफ एन टाइम में इंसर्शन डिलीशन और किसी आइटम को सर्च कर पाता। बट यहाँ पे क्या है ऑर्डर ऑफ वन टाइम में, क्योंकि हमने फंक्शन यहाँ पे इस टाइप का फंक्शन यूज किया, और भी डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस यूज किए जा सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक एरे है जिसमें हमें लास्ट पोजीशन पे किसी नंबर को इंसर्ट करना है। तो सपोज दैट फ्रेंड्स, एरे की साइज हमारा 5 है, इसका मतलब क्या होगा 0, 1, 2, 3 एंड 4, सो 5 एलिमेंट्स को हम स्टोर कर सकते हैं। इनिशियली हमारा 1, 2, 3 कुछ एलिमेंट स्टोर्ड होंगे एंड दो ब्लॉक एम्प्टी है, मतलब दो और एलिमेंट ऐड किए जा सकते हैं। तो क्वेश्चन पूछा है कि आप लास्ट पोजीशन पे, मतलब जितना एलिमेंट हमारा इंसर्ट हो चुका है उसके बाद आप आइटम को इंसर्ट करें। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, जैसा कि इफ कोडिंग करनी है तो हैश इंक्लूड लाइब्रेरी को आप इंक्लूड करेंगे, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी डॉट एच। अब हमारा क्या होगा मेन फंक्शन स्टार्ट होगा, यहाँ पे रिटर्न टाइप आप दे सकते हैं। यदि हम void लिखेंगे तो क्या होगा, रिटर्न टाइप क्या है null, मतलब रिटर्न नहीं करेगा। int यदि लिखेंगे तो रिटर्न टाइप क्या होगा, इंटीजर रिटर्न करेगा। तो चलिए हमें एरे सपोज दैट ये हमारा इंटीजर एरे है, सो int arr और a हम लोग नाम दिए जिसकी साइज क्या है 5 है। तो हम आप पे डिपेंड करता है आप कितना नंबर ऑफ और कितना साइज लेंगे एरे का। तो सपोज दैट कि हम 5 साइज लिए हैं और इसमें अब हमें क्या करना है, नंबर को स्टोर करवाना है। तो आप यूजर से ले सकते हैं प्रिंट एफ इंटर वैल्यू वैल्यू टू स्टोर इन एरे। चलिए आपको अब वैल्यू इंटर करना है, सपोज दैट आपके पास 3 एलिमेंट ऑलरेडी स्टोर किया जा चुका है। तो आप क्या करेंगे स्कैन एफ परसेंटेज डी एंड आपने वैल्यू लिया सपोज दैट वैल, तो वैल को क्या करना होगा डिफाइन करना पड़ेगा, वो भी डिफाइन करना पड़ेगा सपोज दैट वो भी इंटीजर टाइप है, यहाँ पे हमारा वैल है। तो वैल में हमारे पास क्या होगा कुछ वैल्यू लिया जाएगा यूजर, सपोज दैट वैल्यू जो लिया गया है 10 लिया गया है। तो 10 को कहाँ पे इंसर्ट करना है, थर्ड इंडेक्स पे। तो हम लोग कैसे पता करेंगे कि यहाँ पे हमारे पास वैल्यू एम्प्टी है, तो हम लोग ट्रावर्स करते चले जाएंगे। सपोज दैट पहला एलिमेंट को हमें स्टोर करेंगे तो हम लोग फोर लूप लगाएंगे, तो सिंपल फोर लूप चलेगा आई इज इक्वल टू 0, तो आई को भी डिफाइन करना पड़ेगा। सो अब हमारा आई आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन क्या है साइज 5, सो आई लेस देन 5
I++। सो इस फैशन में हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे और जिस पोजीशन पे हमें इंसर्ट करना, सपोज दैट हमने तीन एलिमेंट को ऑलरेडी इंसर्ट कर चुके हैं, तो हम लोगों को क्या करना होता है, ए आई इज इक्वल टू कुछ आपने जो वैल्यू लिया है, सपोज दैट यहाँ पे हमने 5 लिया था A0 में, उसी तरह से A1 में आपने 8 लिया था एंड A2 में आपने 9 लिया था। तो यहाँ पे हमारा इनिशियली 5, 8 एंड 9 है। अब हमें स्टोर क्या करना है, 10 स्टोर करना है। तो ये हम आपको समझाने के लिए बोल रहे हैं, आप इसे कंप्लीट कोड कर सकते हैं फॉर लूप लगा करके कितना आइटम को इंसर्ट करना है। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इंटर एलिमेंट करते हैं। अब चलिए हमें वैल्यू 10 को इंसर्ट करना है, तो किस पोजीशन पे करना है, नेक्स्ट पोजीशन पे। तो आई का जो वैल्यू है बढ़ने के बाद क्या हो गया था, आई प्लस प्लस होता है ना, तो A2 तक आपने एंट्री कर चुके हो, तो आई का वैल्यू अब क्या होगा, 3 होगा। सो A3 पे आपने वैल्यू को स्टोर कर दिया। तो इस तरह से आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं एंड फाइनली आप किसी भी एरे के एंड में आप नंबर को इंसर्ट कर सकते हैं। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जामिनेशन जैसे गेट एंड PSU में भी पूछे जाते हैं। यहाँ पे दिया है कि एरे जो है 4x3 का एरे है और मैट्रिक्स है, ये रो वाइज ऑर्डर और मेमोरी लोकेशन में स्टोर किए गए हैं, जिसका बेस एड्रेस 200 है। तो हमारा पहला इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होगा, बेस एड्रेस एंड 4x3। सो एम का वैल्यू है 4, एन का वैल्यू है 3। सो एंड हमें फाइंड आउट क्या करना है, 3, 2 का, मतलब आई का वैल्यू 3, जे का वैल्यू 2, तो उसका वैल्यू क्या होगा। एंड हर ब्लॉक को स्टोर करने के लिए 1 मेमोरी लोकेशन लग रहा है। तो चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं, हमें फाइंड आउट किस में करना है, रो वाइज में, लेकिन हम आपको दिखाएंगे कॉलम वाइज में भी कैसे सोल्व करेंगे, क्या एड्रेस होगा रो वाइज एंड कॉलम वाइज में। सो ये हमारा 4x3 का मैट्रिक्स है, मतलब 4x3 ऐसे इस टाइप से। हम लोग 4 को क्या बोल सकते हैं, एम बोल सकते हैं एंड 3 को एन। सो एम क्रॉस एन का मैट्रिक्स है एंड बेस एड्रेस क्या है, 200। एंड इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, आई, इसको क्या बोल सकते हैं, जे। इसका मतलब क्या है, हमें फाइंड आउट क्या करना है, ए आई एंड जेथ एलिमेंट का एड्रेस क्या होगा। तो फ्रेंड्स हमें पता है कि रो वाइज है, तो हमारा ये बेस एड्रेस, इसको हम लोग क्या बोले, बी। तो बी का मतलब क्या होगा कि हम लोग फॉर्मूला यहाँ पे लिख रहे हैं कि रो वाइज होगा तो क्या होगा। सो रो वाइज में क्या होगा, बेस एड्रेस लिखते हैं। एंड हर एलिमेंट को स्टोर करने के लिए हमें कितना साइज लग रहा है, तो हम उसको मान करके चलते हैं कि जो विड्थ है उसका वैल्यू क्या दिया हुआ था, 1 मेमोरी लोकेशन, तो 1 हमारा W दिया हुआ है। सो टोटल यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करेंगे, जो साइज होती है, तो W। अब हमें रो वाइज करना है, इसका मतलब क्या है, इस तरह से ट्रावर्स करेगा, और हमारे पास कितने कॉलम्स है, 3 कॉलम्स है। सो एक कॉलम यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। सो हर रो में कितने कॉलम्स है, 3 कॉलम्स हैं। तो हम लोग मल्टीप्लाई किससे करेंगे, एन से करेंगे मल्टीप्लाई, एन मल्टीप्लाइड बाई, अब हमें क्या किसका एड्रेस फाइंड आउट करनी है, आई का। फ्रेंड्स हमें ये यहाँ पे देखना होता है कि जो एरे यहाँ पे हमें कुछ दिया हुआ है कि स्टार्टिंग किससे हो रहा है, इसका डायमेंशन किस टाइप से है। तो जनरली हमारा क्या होता है, 0, 0 से स्टार्ट होता है एंड सो ऑन। और ये हमारा लास्ट एलिमेंट क्या है, 4, 3 है, तो ये क्या कहलाएगा, 3, 2 कहलाएगा। तो 0, 0 से स्टार्ट होता है, तो हमें यहाँ पे 0 घटाना होगा, कोई दिक्कत नहीं है। एंड अब क्या करना होगा, जेथ पोजीशन निकालना है। सो जे माइनस 0, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे यदि इंडेक्स जो है सपोज इस तरह से होता, -5 एंड -4 इंडेक्स हो सकता है एरे में, ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन हम लोग बेसिकली 0, 0 कंसीडर करते हैं। तो 0, 0 कंसीडर करके चलते हैं, तो हमें आई से क्या घटाना होगा, 0, एंड जे से क्या घटाना होगा, 0। आई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रोज को, जे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉलम को। तो चलिए अब हम लोग इसी में वैल्यू पुट करेंगे, तो बेस एड्रेस क्या है, 200। W की साइज, मतलब हर एलिमेंट को स्टोर करने में कितना साइज लग रहा है, 1 मेमोरी लोकेशन, सो 1 दिए। N की वैल्यू क्या है, यार 3, सो 3 पुट किए। I का वैल्यू क्या है, 3 है, 3 माइनस 0 क्या होगा, 3। J का वैल्यू क्या है, 2 है। तो अब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे, 200 प्लस 1 इंटू 3 इंटू 3 9 प्लस 2 11, सो तो ओवरऑल कितना होगा, 1 इंटू 11 11 एंड 200। सो 211 हमारा रो वाइज में उस एलिमेंट का 3 एंड 2, इसका मतलब क्या है, इसको हम और एक्सप्लोर यदि करने का कोशिश करें तो देखते हैं। ये हमारे पास सपोज दैट मैट्रिक्स था 4x3 का, इसका मतलब 4 रो 1, 2, 3, 4 एंड कॉलम कितने हैं, 1, 2, 3 लाइक दिस। ये हमारा 0 से 0 पोजीशन है, 0, 1, 0, 2 एंड ये 1, 0, 1, 1, 1, 2, 2, 0, 2, 1, 2, 2 और ये 3, 0, 3, 1, 3, 2।
हमें फाइंड आउट क्या करना था, 3 2 का एड्रेस फाइंड आउट करना था। तो फ्रेंड्स हमारा बेस एड्रेस क्या है, बेस एड्रेस मतलब फर्स्ट पोजीशन, तो इसका था 200। सो हम लोग यदि रो वाइज में जाएंगे तो एक हर ब्लॉक का स्टोर करने में कितना लगा, 1। सो अगला का एड्रेस क्या हो जाएगा, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211। सो इसका हमारा एड्रेस ऐसे भी यदि हम लोग फाइंड आउट करते तो क्या होता, 211। और फार्मूला से क्या आया है, 211। चलिए अब हम लोग इसको, ये हमारा रो वाइज था, अब हम लोग इसको कॉलम वाइज यदि हमें निकालने के लिए पूछा जाता तो क्या करते, देखते हैं उसमें क्या आंसर आता है। सो सिंपल डेफिनेशन कॉन्सेप्ट है, बेस एड्रेस होगा एंड बिट्स होगा। अब हमें यहाँ पे देखना क्या है कि हमें कॉलम वाइज जब जाना है तो अब हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा, एम से। तो अब हमको इस पार्ट में टच नहीं करना, इसका मतलब क्या है, आई माइनस जीरो होगा एंड एम मल्टीप्लाइड बाई जे माइनस जीरो, क्योंकि जीरो जीरो इसलिए इसका जो स्टार्टिंग इंडेक्स है वो जीरो है। चलिए पुट करते हैं वैल्यू को। सो बेस एड्रेस क्या है हमारे पास, 200 है, डब्ल्यू इज 1, आई की वैल्यू क्या है हमारा 3 है, सो 3 एंड ये क्या है 2, सो 3 माइनस 0 एंड एम का वैल्यू क्या है 4, सो 4 एंड जे माइनस 0, सो जे का वैल्यू क्या है 2, सो 2 माइनस 0। अब आइए 200 प्लस 1 इंटू 3 एंड 4 इंटू 2 8, 8 एंड 3 11, तो 200 प्लस 11 क्या हो जाएगा, 211। तो अब हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 211 आ रहा है दोनों में, रो वाइज एंड कॉलम वाइज। ये क्यों नहीं आएगा, क्योंकि लास्ट एलिमेंट का एड्रेस पूछा गया है, 32 का मतलब क्या होता है, 32 ये लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स है। यदि यहाँ पे पूछता 21 का तो हो सकता था डिफर आएगा आंसर, 21 आप यूज करके देख सकते हैं, 21 तो हो सकता आपको रो वाइज में क्या आएगा, 201 2 3 4। रो वाइज में 21 के लिए 8 2 1 के लिए क्या आएगा, 1 2 3 4, सो 204 आएगा। बट यदि आप कॉलम वाइज में यूज करेंगे तो क्या आएगा, सो 200 1 2 3 4 5 6, सो 206 आएगा। सो ये है हमारा कॉन्सेप्ट रो मेजर एंड कॉलम मेजर का। ये हमारा क्या था, रो मेजर, और हमें पूछा भी गया था रो मेजर में, और ये क्या था, कॉलम मेजर में, कॉलम मेजर। होप यू अंडरस्टैंड दी कॉन्सेप्ट्स, एंड नेक्स्ट पार्ट में हम लोग आगे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 एंड सो ऑन। एंड आपको एक बार फिर से मैं बता दूं कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से, आने वाले एग्जामिनेशन में काफ़ी क्वेश्चंस इस पेपर से पूछे जाएंगे। सो आप इसे कंप्लीट रूप से पार्ट 1 पार्ट 2 और आने वाले जितने भी वीडियो लेक्चर हैं उसे आप जरूर देखें। 2017 में 3 पार्ट का सॉल्यूशन अपलोड किया गया है, उसे भी आप जरूर देख करके एग्जाम में बैठें। होप यू अंडरस्टैंड दी कॉन्सेप्ट्स, थैंक यू सो मच।